सूत्रों के हवाले से यूपी से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। यूपी में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, दिन भर की अटकलों पर लगा विराम। 2022 में सीएम योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर एमएलए को टिकट मिलेगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, सीएम योगी की सहमति से ही यूपी में टिकट मिलेगा। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब इसको लेकर इन अटकलों पर विराम लग गया है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही इस बार 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर एमएलसी को टिकट दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से कैदी फरार। जेल में अचानक सायरन बजने से मचा हड़कंप। फरवरी 2021 से बांदा जेल में बंद था शातिर लुटेरा विजय। मौके पर जेल के आला अधिकारी और सीओ सिटी पहुंचे। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस जेल में मुख्तार अंसारी को रखा गया था बांदा जेल में, उस जेल से एक कैदी फरार हो गया। सायरन बजा तो हड़कंप मच गया। उसके बाद जेल प्रशासन ने सायरन सुनकर तुरंत तत्काल एक्शन लिया। फरवरी 2021 में बांदा जेल में बंद था शातिर लुटेरा विजय। बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर जेल के आला अधिकारी और सीओ सिटी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, यूपी में सरकार द्वारा की गई अच्छी पहल। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उद्यमियों को कम ब्याज देना पड़ेगा। आपदा में वित्तीय समस्या न आए, इसको लेकर बैंकों ने कसी कमर। बैंक योजना विशेष के तहत होगा प्रमोट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी से अगली बड़ी खबर, कई जिलों के एसएसपी बदले जाने की संभावना। एक जगह पर डटे कप्तानों का हो सकता है ट्रांसफर। अफसरों को भारी पड़ सकती है भाजपा नेताओं की नाराजगी। कई कप्तानों की शीर्ष स्तर पर हो चुकी है शिकायत। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी से, कई जिलों के एसएसपी बदले जा सकते हैं। बड़ी लगातार अधिकारियों पर योगी का हंटर चल रहा है। एक जगह पर डटे कप्तानों पर हो सकता है उनका ट्रांसफर हो सकता है। अफसरों को भारी पड़ सकती है भाजपा नेताओं से। कई कप्तानों की शीर्ष स्तर पर भी शिकायतें लगातार आ रही थी, इसको लेकर भी अब तत्काल कार्रवाई की जा रही है। तो योगी का हंटर लगातार अधिकारियों पर चल रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि अधिकारी योगी सरकार के जो बड़े नेता हैं उनकी ही नहीं सुनते हैं, तो भाजपा नेताओं की नाराजगी अब अफसरों पर भारी पड़ सकती है। कई कप्तानों की शीर्ष स्तर पर शिकायत भी हो चुकी है, इसको लेकर जो कई समय से जो अधिकारी डटे हुए हैं अपने स्थान पर उनके ट्रांसफर हो सकते हैं। तो लगातार यूपी में योगी सरकार का हंटर अफसरों पर जारी है और लगातार इसी के चलते तबादले हो रहे हैं, बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं। और अब एसएसपी पर भी तबादलों की ये जो है अब वो चलने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।